ऑटवा के पार्लियामेंट से रिपोर्टिंग करता मैं हूं लाइव स्किनी विद कैमरामैन जेरी। हेलो जी, वेलकम बैक। तो ये आज हमने निकालनी है अपने स्वेटर सूटर, पहली बार निकाला है स्वेटर अभी इस वाले सीज़न में, और हमने पहन लिया इनर। मैं नीचे पजामे नीचे भी इनर पहन लिया क्योंकि हम जा रहे हैं बाहर लग तो रहा होगा धूप काफी तगड़ी है बाहर, पर फिर वही एज यूजुअल अभी तक सबको समझ आ चुका होगा कि जिस दिन धूप निकलती है उस दिन ठंड बहुत ज़्यादा होती है। तो अब हम जा रहे हैं डाउन टाउन की तरफ, बेसिकली पार्लियामेंट हिल, क्योंकि वहां पे आया हुआ है फ्रीडम कॉन्वॉय। वो फ्रीडम कॉन्वॉय क्या है थोड़ा सा डिटेल देती हैं मैडम। मैं तो जैसे बड़ी एक्सपर्ट हूँ फ्रीडम कॉन्वॉय बेसिकली यहाँ के सारे ट्रकर्स ने मिलके स्ट्राइक करी हुई है गवर्नमेंट के अगेंस्ट, क्योंकि गवर्नमेंट ने अभी थोड़े टाइम पहले एक मैंडेट शुरू किया है कि अगर कोई भी ट्रकर ट्रक लेके यहाँ से यूएस जाता है और वापस आता है यूएस से विदाउट इफ ही और शी इज नॉट वैक्सीनेटेड, तो यहाँ पर आके उन्हें 14 दिन के लिए क्वारंटीन करना पड़ेगा। तो उसके अगेंस्ट सब ट्रकर्स ने इकट्ठे होकर ऑल ओवर कैनेडा से स्ट्राइक करी हुई है। सो सब लोग यहाँ पे पहुंचे हैं अपना मैसेज देने के लिए। चलो फिर हम जाके देखते हैं कैसा माहौल है डाउनटाउन में। हमने अपनी पूरी तैयारी कर ली है, पूरी तैयारी के साथ जाएंगे देखने। तो यार ठंड बहुत ज्यादा है और हमें आज थोड़ा बाहर ज्यादा चलना भी है, तो इसलिए मैं दूसरे रेगुलर अपने विंटर बूट्स नहीं पहना, ये वाले पहन रहा हूँ। ये स्पेशल इसको बोलते हैं ओमनी हीट टेक्नोलॉजी। तो ये क्या करता है, ये हीट मेंटेन रखता है पैरों के अंदर की। मैंने स्पेशल मंगवाए थे जूते, इसमें ना कहते हैं कि ये ना जो इसका सोल है ये मिशलिन टायर वाला सोल है, यहाँ लिखा भी हो मिशलिन का है, ये रहा ये रहा। तो कहते हैं कि ये ना आइस पे स्लिप नहीं मारता, बट इतना महंगे जूते लिए फिर भी स्लिप मारता है। पीछे ट्राई किया है ये एक बार, बट ये है कि ये ठंड नहीं लगती, इसमें गर्म है वार्म। मैंने भी ला दो ले, तू ही नखरे मारते कि नहीं मेरे को मेरे पे वाले अच्छे नहीं लगे जूते, बहुत ही थप्पड़ से जूते हैं ये वो स्टाइलिश नहीं है। मैं तो क्या था ले ले, कितने स्टाइलिश है। आई नो स्टाइलिश नहीं है, बट कहते हैं भाई ठंड से बचना, तो फिर वही है ना स्टाइलिश, आई मीन क्या बोलते हैं फैशन के युग में गारंटी की इच्छा ना रखें। एक जोड़ा पहले करेंगे, एक ऊपर और चढ़ा रही है। हाँ मेरे जूते इतने वार्म नहीं है ना, माइनस ये आई गेस माइनस बीस तक ही ठीक है, ये -20 तक ही है ठीक, बट अब -20 तो दूर ही है बहुत। सुबह मैंने उठ के देखा था -35, क्योंकि कहने के बड़े स्टाइलिश है बट बहुत पुराने हैं। इट्स टाइम टू बाय न्यू बूट्स। यस जा ही रहे थे डाउनटाउन की तरफ पार्लियामेंट, जहाँ पे ये सब लोग इकट्ठे होंगे। तो हमने यहाँ पे रास्ते में देखा कि ईस्ट साइड से ये सारे लोग ट्रक्स वाले अब आ रहे हैं, आपको हॉर्न की आवाज़ अभी काफ़ी सुनाई दी होगी। तो ये सारे लोग आ रहे हैं, मॉन्ट्रियल से हो गया, हेलीफैक्स से हो गया, नोवा स्कोशिया, अब इस ईस्ट एंड से आ रहे हैं और पुलिस की गाड़ियाँ लगी हुई हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ना रिपोर्टर हूँ, चैटिंग रिपोर्ट कर रहे हैं हम लोग लाइव, पूरी ऐसी फीलिंग आ रही है रिपोर्टर जैसी। बट पुलिस लगी हुई है खूब, और ये ट्रक्स वाले लोग लाइक ट्रक्स आ रहे हैं, पिकअप ट्रक हो गया, काफ़ी लोग इनको सपोर्ट कर रहे हैं। वही हाईवे पे क्या सीन है कि एक लेन उन लोगों ने अपने लिए पूरी रखी हुई है, एक लेन उन्होंने छोड़ रखी है कि भाई एटलीस्ट जो नॉर्मल डेली रूटीन वाले लोग हैं वो उनको डिस्टर्बेंस ना हो। तो ये अच्छी चीज़ है, लेकिन तभी ये पीसफुल प्रोटेस्ट है पूरा। अब जैसे एक जिस लेन में ये लोग चल रहे हैं सारे ट्रक्स वगैरह, ये स्लो चल रही है अपना आराम से अपने पेस पे, राइट लेफ्ट साइड पूरी खाली कर रखी है। तो इस साइड वैसे गाड़ी थोड़ी स्लो है, बट एटलीस्ट यहाँ मूविंग है मामला। तो हाईवे थोड़ा स्लो है, बट एटलीस्ट एवरीथिंग इज मूविंग और हॉर्न्स ही हॉर्न्स बज रहे हैं चारों तरफ।
तो हमने गाड़ी पार्क कर दी है। अब गाड़ी पार्किंग की जगह हमें बहुत दूर मिली है, वहाँ से एटलीस्ट 15 मिनट की वॉक है यहाँ से पार्लियामेंट हिल तक, क्योंकि अंदर पूरा इन्होंने रोड्स बंद कर रखी हैं, पार्किंग वार्किंग काफ़ी सारी बंद कर रखी है। तो बस अब ये गाड़ी पार्क करी, अब चलते हैं उधर, लेट्स वॉक टू पार्लियामेंट हिल। हर तरफ हॉंक ही हॉंक, हर तरफ यही आवाज़ें आ रही हैं, हॉर्न ही हॉर्न। बस ऑलमोस्ट दिख रहा है सामने, आपको दिख रहा होगा पार्लियामेंट पहुंच चुके हैं ऑलमोस्ट हम लोग, बट हॉर्न ही सुनाई दे रहे हैं बस, और कुछ नहीं। सो बेसिकली ये स्ट्राइक चल रही है, जिसके कारण सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है इस टाइम ग्रॉसरीज वगैरह पे, क्योंकि मोस्टली जो सारा अपना खाने वगैरह का आता है यूएस साइड से आता है, इंपोर्ट होता है, और सॉरी बहुत अर्ली है, और ये स्ट्राइक के कारण अभी ग्रॉसरीज कुछ महंगी हो गई है, कुछ शेल्फ्स खाली मिल रही है, कुछ आ नहीं रही, तेल भी महंगा हो गया। और ये लोग कह रहे हैं कि जब तक इनकी डिमांड्स पूरी नहीं करते, वो मैंडेट हटाते नहीं, ये लोग वापस नहीं जाएंगे ऑटवा से। आई डोंट नो हाउ लॉन्ग इट विल टेक, बट काफ़ी लोग पहुंचे हुए हैं, यहाँ के लोकल्स भी सपोर्ट कर रहे हैं सारा कुछ, बट बहुत लोग हैं। और जी ये है यहाँ का पार्लियामेंट हिल, और यहाँ पे लगी है तगड़ी भीड़, पूरी रोड पे ट्रक्स ही ट्रक्स हैं, और जनता पूरे जोश हर्ष और उल्लास से लगी है। और रिपोर्टिंग लाइव फ्रॉम पार्लियामेंट हिल, चैटी एंड स्कैटी। तो ये मेरे पीछे ये है यहाँ का पार्लियामेंट हिल। बेसिकली इसके कंपाउंड के अंदर सारी जनता इकट्ठी हुई पड़ी है, इसके बिल्कुल सामने ट्रकों की लाइन लगी है, लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं खुले में, पुलिस हर तरफ, पुलिस ठंड बहुत है पर फिर भी जनता खूब है यहाँ पे, और पुलिस हर तरफ, पुलिस ही पुलिस है, हर तरफ पुलिस ही पुलिस है। मेरे लगता है पूरी पुलिस यहीं पे तैनात करी गई है। ओ बहुत ठंडा है, फिर भी लोग बहुत हैं यहाँ पे, हिसाब से पूरा पैक होके आए सारे, अपना जनता तो देखो ना नीचे बर्फ पे बैठी हुई है, पिकनिक करिए वो देखो। यहाँ पे प्रोटेस्ट करने का तरीका यही है, अपना हॉर्न पे हॉर्न दबाए जा रहे हैं, मतलब कि लोगों ने पूरी लाइफ में, यहाँ लोग हॉर्न तो बहुत ही कम बजाते हैं, तो पूरे लाइफ इतनी भड़ास नहीं है हॉर्न बजाने की, जितनी भड़ास सब आज निकाल रहे हैं। अभी हम भी निकालेंगे थोड़ी देर, जब वापस जाएंगे रास्ते में, और आज जहाँ हमने गाड़ी पार्क करी है वहाँ से यहाँ तक आते हुए रास्ते में हम देख रहे हैं कोई टिम हॉर्टन्स बन जाए, कोई कॉफ़ी कुफी ले लें, पर इस एरिया के अंदर सारे रेस्टोरेंट इस टाइम बंद कर रखे हैं, सब बंद है। लोग भी अपना सामान, मैं देख रहा हूँ खुद कैरी करके ले गए हैं, अपना स्लेज के ऊपर रख के सारा सामान ले गए हैं, खाने पीने का, और बच्चे भी हैं खूब सारे, बच्चे भी हैं बहुत सारे यहाँ पर, मतलब कि सारी उम्र के लोग हैं। और ये सिर्फ पहले तो स्टार्ट हुआ था एज ए ट्रकर्स की तरफ से कि उनका मैंडेट शुरू हुआ है, बट धीरे धीरे सब लोगों ने ज्वाइन कर लिया ऐसे कि हमें वैक्सीनेशन की जो मैंडेट है वो हटा दो, कि हमारी अपनी मर्जी होनी चाहिए कि अगर हमने वैक्सीनेशन लगवानी है या नहीं लगवानी, फोर्सफुली हम पे सर्टिफिकेट वगैरह वगैरह वाला वो चक्कर मत डालो।
तो ये जो ट्रक्स आए हैं ये कनाडा की दोनों साइड से आए हैं, दोनों एंड से, मतलब एक ईस्ट एंड जो कि हो गया अपना नोवा स्कोशिया हैलिफैक्स वाला साइड और एक हो गई बीसी वाली साइड, दोनों साइड से आए हैं यहाँ पे ऑटवा में। इवन यूएस से भी कहते हैं ट्रकर्स यहाँ पे इनके पास यहाँ पे इस कॉन्वॉय में पार्ट लेने के लिए आए हैं। एस्टिमेटेड एटलीस्ट 50,000 ट्रक्स हैं यहाँ पे आना था, बट अभी मुझे लगता नहीं कि सारे यहाँ पे पहुँचे हैं, और भी होंगे ऑन द वे। फिलहाल अभी इतने जितने आए हैं उतने से ही पूरा का पूरा ऑटवा डाउन टाउन ब्लॉक है, सारे आ जाएंगे तो गॉड नोज क्या होगा यहाँ पे। भाई फाइनली फिर हम कहते हैं वहाँ से अपना पार्लियामेंट हिल से वापस गाड़ी तक ऑलमोस्ट पहुँच गए हैं। यहाँ पे पीछे लगी है हमारी गाड़ी, यहाँ से 15 मिनट वॉक थी, ठंड बहुत थी बट लग गई ठंड में, बट मजा आया बाद इतनी ठंड पूरा, मतलब कि इस पूरे सीजन में विंटर के हम पहली बार पूरा पैक होके बाहर निकले हैं। नहीं तो ये होता है निकलते हैं गाड़ी बैठ जाते हैं, जहाँ जाना होता है वहाँ जाके फिर गाड़ी वापस आके वापस आते हैं, एक्चुअली घूमे नहीं बाहर, बट आज ठंड बहुत है, मजा आ गया बट ठंड में बहुत जमाने बाद, लेकिन कभी कभी कर लेना चाहिए, ठीक रहता, थोड़ा वॉक हो गई इसी बहाने, थोड़ा चल फिर लिए और थोड़ा आउटिंग हो गई। और अगर आपको यही हमारी छोटी सी ये रिपोर्टिंग अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, क्योंकि बड़ी मोटिवेशन मिलती है हमें इस चीज़ से, मोटिवेशन मिलती है बाहर ठंड में निकलने के लिए। हाँ, फिर दोबारा बाहर ठंड में निकलेंगे नहीं तो फिर हम घर में कुकड़ बन के बने रहते हैं, अभी बैठे रहते हैं। और बिहाइंड द सीन्स के लिए प्लीज़ आप हम फॉलो कर सकते हैं अब हमारे इंस्टाग्राम चैनल को चाटी एंड स्कैटी। बाकी धन्यवाद देवर वीडियो में हमारे साथ रहने के लिए, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। चाटी एंड स्कैटी रिपोर्टिंग लाइव फ्रॉम ऑटवा, रिपोर्टिंग खत्म फ्रॉम ऑटवा।